हाँ भाइयों, बढ़ेंगे आगे अपनी अगली बड़ी खबर की ओर, जो जुड़ी से अल्पमत अक बहुमत। भाई यो चल रहा आजकल बीजेपी और कांग्रेस वाला में अगली सरकार अल्पमत में से बनूगा नाम तो बहुमत में से। भाई इस मामले पर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी साहब, उनके विपक्ष वाले मतलब खान खैर उलाता रहे हैं, उनके मतलब दावे में आरोप मतलब जो आरोप है उनमें कोई दमनाए भी निराधार है, हमारी सरकार बहुमत में से। सरकार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल ये सही बात है, ये सरकार इस समय अल्पमत में आ चुकी है। झूठ का ऊपर झूठ, झूठ का ऊपर झूठ। कांग्रेस ने एक झूठ नहीं बोला, झूठ का ऊपर झूठ बोला है। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ, आज भी हमारे पास बहुमत है पूरा। भाई जब बात करें हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह साहब की, तो वे क्या लग रहा है ना हरियाणा सरकार बहुमत में ना है, वो तो अल्पमत में से। तो बीजेपी वाले ने कही है भाई हमारी सरकार तो भाई बहुमत में से, और जो थारे दौरे मतलब बहुमत से थारे दौरे विधायक से सारे अच्छे इकट्ठे कर रहे हो, तो भाई राज्यपाल साहब का परेड कराओ, मेरा पार्ट जाएगा। अल्पमत में की सरकार है और ये बेईमानी से सरकार चला रहे हैं, 45 विपक्ष में हैं, 43 इनके पक्ष में हैं, तो इनको नैतिकता के आधार पर तो इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के लोगों के पेट में मरोड़ा उठ रहा है, मरोड़ा नहीं उठ रहा, और वो इस प्रकार का दुष्प्रचार करते घूम रहे हैं, कहा भाई ये सरकार तो अल्पमत में है। हमारे पास तो आज भी 45 मेंबर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास अगर है कांग्रेस के पास तो दिखाए राज्यपाल महोदय के पास परेड कराने का काम करें। तो भाइयों इन हालात ने देख कर तेन लग है अगर भाई विपक्ष वाला दौरे बहुमत जुटाने खातर विधायक का टोटा पड़ रहा से ना देवता ही तो अगली सरकार के मतलब समझ लो खाटे खड़ी कर देंगे। क्यों ना बेरा भाई जेजेपी के जितने भी विधायक उनमें का गणखरे एक विधायक बीजेपी वाला के लिया पाला बदल के जब बेट उल्टी मार जाएंगे भाई, तो भाई फिर उनकी हो जाएगी झंड जाए, तो मतलब वो ऐसा रिस्क ठान नहीं लग रहे हैं। बाकी जो है परेड हो जाती तो हो जाता दूध का दूध और पानी का पानी।